फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज नए फ्लेवर के साथ छात्रगण हम सब अपने तैयारी को अंजाम देने के लिए आ चुके हैं। छात्रगण सीटेट की परीक्षा और जेटेट की परीक्षा की तैयारी के लिए हम सब यहाँ पे उन्मुख हैं, आपके सामने मुखातिब हैं। आइए उसी जज्बे और जुनून के साथ छात्रगण हम अपने तैयारी को नया अंजाम दे छात्रगण और एक ऐसी परफेक्ट तैयारी करें कि एक बार में सीटेट और जेटेट की परीक्षाओं को क्लिंच करेंगे। छात्रगण एक ही मंच होगा सीटेट और जेटेट का, जहां पर हम सब इस परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और बहुत ही मजे से दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट हम सब अपने आप में समाहित कर लेंगे। छात्रगण किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तीन पेपर आपके कॉमन हैं। मैंने कल ही आपको कहा था, कल की क्लास में जो मेरी इंट्रो क्लास थी सीटेट और जेटेट की, आज मेरी दूसरी क्लास है। आपको पहले ही कहा गया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें है वो है बाल विकास। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का पहला वन पार्ट, सेकेंड पार्ट लैंग्वेज पेपर वन और थर्ड पार्ट लैंग्वेज पेपर टू, ये कॉमन विषय होंगे छात्रगण जहाँ तक 1-5 और 6-8 की बात होगी। तो एकदम से आइए आपको शिक्षक बनाने के मार्ग पर आपको लेकर के चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब होंगे और बहुत ही मनोयोग से पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़िए छात्रगण, उसके बाद देखिए कि सफलताएं आपके कैसे कदम चूमती हैं। एक एक कंसेप्ट की बारीकी से चर्चाएं करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे लेकर के चलते हैं बाल विकास के सिलेबस की ओर लेकर के, जो एक विस्तृत सिलेबस है लेकिन उसे कॉन्साइज वे में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप सीटेट की परीक्षा तैयारी कर रहे हों या जेटेट की परीक्षा तैयारी कर रहे हों, दोनों के लिए समान नोट्स उपलब्ध होंगे। प्रैक्टिस सेशन के रिस्पेक्ट में आपको कुछ क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। एक एक कंटेंट के वाइज आपको तकरीबन 15 से 20 प्रश्न हम सब, या मिसलिनियस प्रश्न अगर आप बोलेंगे तो चैप्टर वाइज दे देंगे, और नहीं तो फिर मिसलिनियस प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। पूरी पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी तो तकरीबन 25 से 30 सेट आपको बाल विकास के या फिर हिंदी के या फिर इंग्लिश के उसके प्रैक्टिस सेशन चलवा देंगे, सो दैट कि चैप्टर के पढ़ने के बाद जो है आप सब बहुत आसानी से अपना प्रैक्टिस सेशन भी कर सके घर में और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर सके और एक ही बार में परीक्षा को जो है विंसिबल कर सके, छात्रगण परीक्षाओं में पास हो सके। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और चलिए सीधे सीधे चलते हैं बाल विकास के पढ़ाई के ऊपर में। लेकिन पढ़ाई से पहले मैंने आपको पहले ही कहा है कि सबसे पहले सर इसकी सिलेबस जाननी आपको बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानिए बाल विकास की सिलेबस है क्या और सीटेट और जेटेट की परीक्षाओं में बाल विकास के कितने एरियाज जो हैं वो टचअप रहते हैं। बस आपको लगभग हम समझते हैं 21 से 23 यही चैप्टर्स रहेंगे जिसे ये पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रगण। तो आइए आपके सामने उन्मुख होते हैं और सीधे सीधे बाल विकास के टॉपिक की चर्चाएं आपके सामने में करते हैं। देखें ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दो बच्चा है, एक बच्चा आप दोनों बच्चा का चित्र देख सकते हैं छात्रगण, एक बच्चा किस प्रकार से हंस रहा है और दूसरा बच्चा किस प्रकार से उदास है। इन्हीं दो बच्चों के बारे में ये बच्चे कैसे सोचते हैं और ये बच्चे कैसे सीखते हैं। आपने देखा होगा कि जब किंडरगार्टन प्रणाली जब हमारे पास आई थी तो हमने बाल केंद्रित शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या था कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ वहां पर मार्गदर्शक का काम करेंगे और तमाम चीजें जो होंगी वो बच्चों के माध्यम से दर्ज होगा, बच्चे वहां पर फोकस करते रहेंगे। आपने देखा कि बच्चों को हमें यह सिखाना है कि कौन सा पानी ठंडा है और कौन सा पानी गर्म है, तो हम इसे बोलेंगे नहीं कि ऐसे पानी जिससे भाप निकल रहा है वो गर्म होगा, ऐसा पानी जो ठंडा है जिससे भाप नहीं निकल रहा है वो ठंडा होगा, ये बताएंगे नहीं। हम सब क्या करेंगे, दो अलग अलग जार बनाएंगे, बकेट बनाएंगे, उस बकेट में एक को अलग कलर से करेंगे, एक को अलग कलर से कलर कर देंगे, एक में आपका जो है ठंड पानी रखेंगे, एक में आपका गर्म पानी रखेंगे, हॉट वाटर रखेंगे, और बच्चों को क्या करेंगे, लाइन पे खड़े कर देंगे। बच्चे वहां पर जाएंगे, देखेंगे इसमें ठंडा पानी आ रहा है, ले लेंगे। एक बच्चा दूसरे पार जाएगा, वो देखेगा गर्म पानी आ रहा है, तो देखेगा अरे गर्म पानी आ रहा है, तो वो उसे नहीं लेता है। बच्चा अपने आप ठंडे पानी और गर्म पानी में विभेद करना सीख जाता है।
यही है बाल केंद्रित शिक्षा छात्रगण, जहां बच्चे स्वयं अपने आप को एक्टिव रहते हैं छात्रगण और अपना अधिगम को पूरी तरह से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो बाल विकास के जो प्रश्न होंगे छात्रगण, वो बिल्कुल आपके अधिगम स्तर के होंगे। एक बच्चा कैसे सोचता है, उसके स्कूल के बिहेवियर क्या होते हैं, बच्चा जब स्कूल पहुँचता है तो असेंबली से लेकर के उसके क्लास में बैठने तक की पूरी जो कहानियाँ होती हैं वो किस प्रकार की चलती हैं, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख ही बाल विकास के अंतर्गत में प्रश्नों के माध्यम से पूछा जाता है। प्रश्नों के स्तर बहुत बहुत आसान होते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रश्न क्या कह रहा है उस पर आपको फोकस होना चाहिए, आप बहुत अच्छा इस चैप्टर पे कर पाएंगे छात्रगण। तो शिक्षक बनने के लिए बाल विकास को मजबूत कीजिए और मेरे साथ संजय सिन्हा के साथ जुड़ जाइए बाल विकास पे 100% मार्क्स लेने के लिए। तो आइए चलते हैं टारगेट 100% पे, सीटेट और जेटेट के बाल विकास पर फोकस करते हैं। तो ये है आपका पूरी तरह से सिलेबस, तकरीबन 14 टॉपिक मैंने अभी इसमें लिखा है, 14 टॉपिक को समझा देंगे, उसके बाद फिर 2-4-5 टॉपिक और मेरा बच रहा है, फिर उसे लिख लेंगे, सो दैट की पूरी टॉपिक हो जाएगी। आप अपने कॉपी में या कहीं पर भी तमाम टॉपिकों को लिख लेंगे, इसी पर पूरी की पूरी पूरी जो सिनारियो होगी, जो पूरी बाउंड्री होगी सीटेट की छात्रगण, इसी पर हम सब आपको फोकस करेंगे और पूरी तरह से इस पर सिलेबस पर चर्चाएं कर देंगे और आपका पूरा क्वेश्चन भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो पहली चैप्टर है ये बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, उसी में लेकर के आपके दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है आपका बाल विकास का, बाल विकास एक्चुअल में चैप्टर क्या है, ये टर्म्स का मतलब क्या है। बाल मतलब बच्चा, बालक, चिल्ड्रन, किड्स, व्हाटएवर लैंग्वेज यू कैन स्पीक। विकास का मतलब डेवलपमेंट। बच्चा जब जन्म लेता है, मींस मां के गर्भ से लेकर के मृता अवस्था तक, जब वो मरने के कगार पर होता है, तब तक वह व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। तो बच्चा अपने विकास के क्रम में क्या क्या सीखता है और कैसे सीखता है, इसी चीज का उल्लेख छात्रगण हम सब अपने इस बाल विकास के टॉपिक के अंतर्गत में करते हैं और इसी से प्रश्न होता है। आपको एग्जांपल याद होगा छात्रगण कि बच्चों के मन और मस्तिष्क का संपूर्ण विकास 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है। 5 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सिर्फ और सिर्फ आमने सामने अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने अन्य लोगों को देख करके ही सीखता है। जहां तक उसके मन की विकास, उसके दिमाग के विकास है, तो 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण कर लेता है। गर्भावस्था की अगर हम बात करें छात्रगण, तो बच्चे मैक्सिमम अपनी चीजें जो है वो गर्भावस्था में सीख जाते हैं। आप इनके अभिमन्यु की कहानी आप जान रहे होंगे छात्रगण, जो अर्जुन के पुत्र थे, किस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने के लिए, उन्होंने उस भेदी को भेदने के लिए छात्रगण जो चक्रव्यूह रचा गया था उसे उन्होंने तोड़ना सीख लिया था माँ के गर्भ के अंदर, क्योंकि उनकी माँ को नींद आ गई थी। ये कहानी जानते होंगे, थोड़ी सी मैथोलॉजी एस्पेक्ट्स पर आपको लेकर के गए थे। तो सिंपल सी बात है कि पूरे बाल विकास में एक बच्चा की विकास के संदर्भ में बच्चा कैसे कैसे आगे की ओर बढ़ता है, क्या सब सोचता है, कैसे सीखता है, इन तमाम चीज़ों की चर्चाएँ इस चैप्टर के अंतर्गत में की जाएगी। इस बाल विकास के साथ शिक्षा शास्त्र, जो पेडागॉजी जिसे विशेषकर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है पेडागॉजी का, इस पेडागॉजी के रिस्पेक्ट में हम सब इस रिस्पेक्ट में पहुँच पाते हैं कि जब बच्चा सोचता और सीखता है तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट्स क्या होंगे। वो आपके विषयों पर आधारित हो सकते हैं, आपके सब्जेक्ट पर आधारित हो सकते हैं, वो शिक्षा शास्त्र का पार्ट होता है। मीन्स एक शिक्षक और एक बच्चे के बीच का जो रिलेशन है वो शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत में रखा है। तो पूरे प्रश्न के 2 पार्ट होंगे, एक होगा बाल विकास, बच्चों के विभिन्न अवस्थाओं में उसके विकास की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, और सेकेंड पार्ट जो मेरा इसका शिक्षा शास्त्र होगा वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन, बिहेवियर, डे टू डे एक्टिविटीज, इन तमाम चीज़ों की चर्चाएँ हम सब शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत में करेंगे। दोनों चैप्टरों को बाल विकास मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र को समाहित करेंगे और दोनों चैप्टर को बहुत ही मनोयोग से पढ़ने का प्रयास करेंगे छात्रगण। आइए देखते हैं कि कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक इस पूरे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर केंद्रित हैं, इसकी बातें आप सबके सामने कर लेते हैं। पहली टॉपिक की अगर हम बात करें तो बाल विकास की पहली टॉपिक होती है विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। देखिए, विकास की अवधारणा, डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, कौन कौन सा डेवलपमेंट है, इन तमाम डेवलपमेंटों की कल्पनाएं जो हम सब इस अवधारणा के तहत में करेंगे, और इसका अधिगम, अधिगम का मतलब हुआ लर्निंग, लर्निंग के साथ इसका क्या रिलेशनशिप होगा, इसकी चर्चाएं हम सब इस चैप्टर के तहत में करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा,
बाल विकास की अवधारणा में इसका जो अधिगम से संबंध है कि बच्चा विभिन्न अवस्थाओं में कैसे सीखता है, अधिगम के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है, इसी के संबंध को ज्ञात करने करेंगे और दोनों को टाइप करने का प्रयास करेंगे छात्र के अंदर। हम सब जब दूसरे टॉपिक में चलते हैं तो वो है बाल विकास के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? बच्चा जब विकास की ओर उन्मुख होता है, विकास की अवस्थाओं में होता है, तो कौन कौन से सिद्धांत बच्चों में इंप्लीमेंट होता है? जैसे कि विकास के सिद्धांतों में आपको क्या होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, तत्परता के नियम है। अब हम लोग देख लीजिए, जब हम बातें करते हैं कि सपोज कीजिए कि एक कहीं पर भी कोई हम लोग का दरवाजा को कोई नॉक कर रहा है, जैसे ही दरवाजा नॉक करता है, कौन आया है हम ये नहीं देखते हैं, हम फटाक से भाग करके देते अपना दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कोई कह देता है कि जब भी कोई नॉक करे मत खोलना, बाहर चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम दरवाजा नहीं खोलते हैं। विकास के सिद्धांत में हम देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं पर कौन कौन से सिद्धांत, कई महान मनोवैज्ञानिक होंगे छात्रगण, जीन प्यासे, लॉरेंस कोहलबर्ग, बायोगैस्की, टिचनर, ऐसे कई महान मनोवैज्ञानिक होंगे छात्रगण जिनके सहारे हम सब इन चैप्टरों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत में लाएंगे। तो हमारी दूसरी टॉपिक होगी छात्रगण बाल विकास के सिद्धांत। तीसरा टॉपिक होगा मेरा अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। कल्पना करिए छात्रगण, एक बच्चा जिस समाज में रहता है, एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चों की प्रथम पाठशाला उसके माता पिता होते हैं। प्रथम पाठशाला बच्चों का माता पिता होता है और घर में सबसे पहले बच्चा अपने मां और पिता से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को ज्यादा झगड़ालू नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों का प्रभाव उस बच्चे पर निश्चित रूप से पड़ने जा रहा है। अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुवांशिकता से बच्चे किस प्रकार से इफेक्टेड होंगे, किस प्रकार के हार्मोनल इफेक्ट्स बच्चों में प्रभावित करेंगे, इसकी विस्तृत चर्चाएं हम सब इस चैप्टर के अंतर्गत में करेंगे। और साथ ही साथ आसपास के वातावरण का प्रभाव, ये तो अमूमन आप समझते होंगे छात्र, एक गाँव में एक बच्चा पलता और बड़ा होता है, वह विभिन्न पत्तियों की पहचान कर सकता है, वो तुरंत बता देगा कि ये सखुआ का पत्ता है, ये नींबू का पत्ता है, ये कटहल का पत्ता है, वो इमीडिएटली बता देगा। लेकिन जब शहर के बच्चों की ओर हम बात उन्मुख होते हैं तो शहर के बच्चे शायद इन पत्तों को पहचान पाने में बहुत ही मुश्किल फील करेंगे। देखिए कैसे डिफरेंसेस क्रिएट होता है, ये माना जाना चाहिए कि आसपास के वातावरण और समाज का बहुत बहुत गहरा प्रभाव इन बच्चों पर पड़ता है छात्रगण। सीधे सीधे अनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव में हम सब इन्हीं चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे छात्रगण। आपको यह भी मालूम होना चाहिए छात्रगण कि अनुवांशिकता और वातावरण के प्रभाव में छोटे छोटे नोट्स लिखा देंगे आपको, हम सब कैसे प्रोसीड करेंगे, आपको एक एक चैप्टर को कंटेंट वाइज बहुत ही सुंदर तरीके से समझा करके और फिर उसका नोट्स लिखा देंगे, सो दैट कि एक एक चैप्टर को पॉइंट वाइज आप नोट करेंगे और कंसेप्ट से पढ़ करके उसको समझेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षा से बाहर नहीं होगा, इस चीज का मैं यहां पर आपसे दावा करता हूं छात्रगण। अगली टॉपिक होगी समाजीकरण की प्रक्रिया। बच्चा एक समाज में किस प्रकार से अपना बिहेवियर करता है, एक समाज का उसके ऊपर में, अभी वातावरण पे हम लोगों ने चर्चाएं करा था, समाज का समाजीकरण के फलस्वरूप बच्चों में किस प्रकार का विकास हो जाता है। आप देखते हैं कि उन्मत्त एक बहुत ही आदर्श समाज है, एक समाज में बहुत ही प्रभुत्व लोग रहते हैं, बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं, तो आप देख पाएंगे कि वो बच्चा उसी लेवल पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में हम देख पाएंगे कि बच्चा किस प्रकार से अपने समाज की ओर आगे बढ़ता हुआ, निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, और उसके आधार पर हम सब समाजीकरण को बच्चे के विकास में किस प्रकार से ये रुकावट पैदा करता है या आगे बढ़ने का प्रयास करता है, इन चीज़ों को समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत में देख पाएंगे। जीन प्याजे, जस्ट अभी आपने कहा था, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग एवं वायोग्स्की के बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कितने पॉपुलर क्वेश्चन हैं छात्रगण, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और बायोगैस्की, इन तीनों महान मनोवैज्ञानिक ने, आपको मालूम होगा कि जीन प्याजे ने बाल विकास की चार अवस्थाओं का वर्णन किया था, वहीं कोहलबर्ग ने छात्रगण नैतिक शिक्षा, बच्चों में नैतिकता का गुण कैसे विकास किया जाए, ये कोहलबर्ग की देन है, और बायोग्स्की ने यह कहा है छात्रगण कि किस प्रकार बच्चे समाज के जो इनका जेडपी थ्योरी है बायोग्स्की का, वो कितने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, जेडपीडी का जो थ्योरी है इनका, वो कितने कितने इंपॉर्टेंट है बायोग्स्की का, इन तमाम चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ये तीन ऐसे महान मनोवैज्ञानिक होंगे जिनके माध्यम से हम सब जो है जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और बायोग्स्की के क्वेश्चन होते ही होते हैं, सीटेट और जेटेट में तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन एवरी ईयर
जब से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है छात्रगण, आपने झारखंड टेट की परीक्षा में दो बार जब इन परीक्षाओं का आयोजन हुआ था, उन दोनों परीक्षाओं में आपने देखा कि इन तीनों से आपके प्रश्न थे। साथ ही साथ सीटेट में तो आप एवरी ईयर आप प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आप उलट करके देख सकते हैं, ये इनसे प्रश्न होता ही होता है। तो जीन प्याजे, लॉरेंस कॉलबर्ग एवं वायगोत्स्की के सिद्धांत को बहुत ही डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, शानदार आपको नोट्स लिखाएंगे, आप सभी से याद करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित मतलब होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे के बारे में, बच्चे के लिए और बच्चे के साथ, बच्चे के बारे में, बच्चे के लिए और बच्चे के साथ। जब इसकी अवधारणा को हम सब इसमें इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो मेरा चैप्टर बन जाता है बाल केंद्रित। प्रगतिशील शिक्षा का तात्पर्य होता है छात्रगण प्रोग्रेसिव एजुकेशन, विभिन्न अवस्थाओं पर बच्चों की शिक्षा का विकास कैसे किया जाएगा, ये तमाम चीजें हम सब अपने प्रगतिशील शिक्षा, प्रगतिशील एजुकेशन के रिस्पेक्ट में देखने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसे हम सब यहाँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन के रिस्पेक्ट में आपके सामने लेकर के आएंगे, सुंदर सा नोट्स लिखा देंगे और आप इसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। आगे चलेंगे बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। देखिए, बीने और साइमन दो ऐसे महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ये पहली बार विश्व लेवल पर अपने एक थ्योरी के माध्यम से, अपने एक फार्मूला के माध्यम से उन्होंने बच्चों की आईक्यू की जांच करना सीखा था। बीने और साइमन के थ्योरी के साथ साथ थॉर्नडाइक और कई ऐसे महान वैज्ञानिक आए थे, स्किनर, ऐसे कई महान वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने बुद्धि के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छी अवधारणाओं का स्पष्टीकरण किया है। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी, यानी कि बहुआयामी मतलब एक साथ बच्चा कई चीजों को सोच पाता है, एक बच्चा एक बुद्धि अप्लाई करता है, दूसरा बच्चा दूसरा बुद्धि अप्लाई करता है, तीसरा बच्चा तीसरी बुद्धि अप्लाई करता है। और यहाँ पर कुछ फैक्टर बनते हैं जिसको जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, उसके रिस्पेक्ट में थॉर्नडाइक को बांटते हुए हम सब बुद्धि निर्माण को हम सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। बुद्धि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है छात्रगण, जहां तक बाल विकास की हम सब बातें करें तो बुद्धि चैप्टर को आप बहुत ही मनोयोग से पढ़ेंगे और इसमें तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षाओं में आपके पूछे जाएंगे। बच्चों की बुद्धि की जांच कैसे की जाएगी, बच्चे किस समय पर किन बुद्धियों का प्रयोग करते हैं, इनको निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ इसके सूत्र होंगे, कुछ इसके फॉर्मूला होंगे जिसके माध्यम से इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा भाषा और चिंतन। देखिए, ये लैंग्वेज और थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा और चिंतन में हम सब क्या जानने का प्रयास करेंगे छात्रगण, कि कोई भी बच्चा किसी भाषा को जब वो पढ़ता है, जब वो जानता है, तो उसका चिंतन वो किस आधार पर करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो चिंतन करता है, इसकी थिंकिंग, किसी बच्चे की आप थिंकिंग देखिएगा कि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। एक बच्चा गणित में बहुत स्मार्ट है, वो बच्चा गणित में तभी स्मार्ट है या विज्ञान में तभी स्मार्ट है जब वो अमूर्त चिंतन और उन्मुख होता है। वो बच्चा सोच पाने में कामयाब होता है कि हाँ, आई विल थिंक लाइक दैट, वो बच्चा सोच पाता है। तो हम सब बुद्धि निर्माण, सॉरी, भाषा और चिंतन में इन चिंतनों को जानने का प्रयास करेंगे छात्रगण, और यह देख पाएंगे कि बच्चे किस प्रकार से इन चिंतन को कर पाने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक हो जाती है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ऑब्वियसली समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे आपको नेगेटिव जवाब नहीं देना है, लैंगिक मुद्दे हो जाएंगे वही बॉयज और गर्ल्स के बारे में, थर्ड जेंडर की बात हम सब यहाँ पे नहीं करेंगे। तो हम सब इसमें देखेंगे कि समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है, इसकी बातें करेंगे। आज भी आप देख लीजिए छात्रगण, लैंगिक मुद्दों की जब हम सब बातें करते हैं तो आप सीधे देखिएगा, कुछ ऐसे जॉब निश्चित रूप से हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए हैं। अगर एक रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो वो लड़कियों के लिए फिक्स है। इसी प्रकार आप घर में देख लीजिए कि घर में कोई भी सामान, खाना बनाने की जिम्मेवारी अभी भी महिलाओं के हाथ में है, पुरुष खाना नहीं बनाते हैं, पुरुष बाहर में काम करते हैं, महिलाएं भी बाहर में काम करते हैं। तो ये लैंगिक मुद्दे के जो कंसेप्ट हैं वो अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करता है छात्रगण, इसकी चर्चा है बाल विकास में। बेहद इंपॉर्टेंट रहता है कि एक लड़का और एक लड़की के रिस्पेक्ट में बाल विकास कैसे अपना करवट लेता है, कैसे फ्लाइंग स्टार वो बनता है, इसकी चर्चाएं हम सब समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के तहत में करेंगे छात्रगण। हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 10 की ओर बढ़ेंगे, और वो होगा व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे हम सब इंडिविजुअल डिफरेंस के नाम से जानते हैं छात्रगण। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जब हम सब बातें करें सिलेबस में, तो ये सिलेबस को जोड़ने के पीछे सीटेट और जेटेट का उद्देश्य यही है कि ये चाहते यही हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जो आपका इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस है, एक क्लास में कई परिवार के, कई घर के, कई लोग के, कई समाज के, कई जाति के, कई धर्म के, कई मूल के लोग एक विद्यालय में पढ़ते हैं। हाँ, ये बच्चे बिल्कुल
आप व्यक्तिगत विमलता को आप ऐसे समझिए, किसी एक सब्जी का, एक सिंपल सा सब्जी का हम एग्जांपल लेते हैं। एक सब्जी का नाम आपके घर में अलग बोला जाता है तो दूसरे घर में अलग बोला जाता है, तीसरे घर में अलग बोला जाता है। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, कच्चू नाम तो जानते होंगे, कई लोगों को मैंने सुना बाजार में कच्चू कहते हैं, कई लोग पेचकी बोलते हैं, कई लोग उसे अरबी बोलते हैं। तो छात्र, एक ही चीज को कई अलग अलग भाषाओं में बोला जा रहा है, तो वर्ग कक्षा में भी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना होता है। आप देखिएगा कि अगर क्लास में 40 बच्चे एक साथ अधिगम कर रहे हैं तो 20 से 25 बच्चा तो आपके साथ चल रहा है, लेकिन 15 बच्चा ऐसा होगा जो आपको बातें को सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है, आपके डर से भले थोड़ा बहुत साइलेंट बन रहा है। तो इन व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चों को शिक्षक कैसे उन्हें पाटने का प्रयास करेगा, छात्रगण कैसे उन्हें लेने का प्रयास करेगा, इस चीज की विस्तृत चर्चाएं हम सब व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत में कर पाएंगे। हम ये सीख पाएंगे कि बीइंग एज ए टीचर, एक शिक्षक जब अपने कक्षा वर्ग कक्षा में प्रवेश करता है तो विभिन्न जाति धर्म मूल वंश के माध्यम से जो बच्चे हमारे पास पहुंच रहे हैं, खाने की अलग अलग एक्टिविटीज, खेलने के अलग अलग ढंग, उठने बैठने के अलग अलग ढंग, इन सबको टीचर्स कैसे पाटने में जो है अपने आप को मशगूल कर रहा है, इस चीज की विस्तृत चर्चाएं छात्रगण हम सब अपने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के चैप्टर में करने का प्रयास करेंगे। छात्रगण अगली बातें हम सब करेंगे, छात्रगण नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम सब चलेंगे छात्रगण, और वो होगा अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द लर्निंग। ये अपने आप में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन में हम सब ये चलेंगे छात्रगण कि मापन और मूल्यांकन में क्या डिफरेंस है। आप देखिए अभी तक आपका क्या होता है कि एक बच्चा क्लास में, आपने मालूम होगा कि जब से हम सबों का सीसीई पैटर्न आया है, बच्चों को हम सब ग्रेड देना शुरू किए हैं। बच्चे जब ग्रेड पे आते हैं और बच्चे को जब नंबर मिलता है, साथ ही साथ बच्चों को दो प्रकार से हम सब मूल्यांकन कर रहे हैं, एक स्कॉलिस्टिक है, एक को स्कॉलिस्टिक है। दोनों मूल्यांकन पर आप जब गौर फरमाएंगे छात्रगण तो देखेंगे कि एक बच्चा वर्ग कक्षा के अंदर डिसिप्लिन कैसा रखा है, एक बच्चा का दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार का रिलेशन रहा है, एक बच्चा का अपने साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट को तो छोड़ दीजिए वो तो घर में होते हैं, स्कूल में अपने टीचर के साथ उसका बिहेवियर रहा है, वो कैसा नीट एंड क्लीन होकर के आया है कि नहीं है, वो अपना बाल सुचारू रूप से झाड़ करके आया है कि नहीं आया है, इन तमाम चीज़ों को हम सब जो है वो अधिगम के मूल्यांकन के तहत पढ़ने का प्रयास करेंगे छात्रगण, और आपको समझाएंगे कि अधिगम के मूल्यांकन कौन कौन से होते हैं, और फाइनली जो मेरा रिजल्ट बन करके तैयार होता है, वो रिजल्ट मेरा जो होता है वो किस प्रकार से मूल्यांकन और मापन को लेकर के चलता है, तो उसे हम लोग अधिगम के मूल्यांकन के तहत में हम सब पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो 12वें नंबर की टॉपिक होगी, उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कारण है कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का, एक एक शब्द में या एक एक लाइन पे जवाब देना होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन के जो पैटर्न है इसके पीछे कौन सा उद्देश्य छुपा हुआ है। आज आप एकेडमिक एग्जामिनेशन देते हैं या फिर किसी परीक्षाओं के मेंस परीक्षा देते हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, ये क्या कंसेप्ट है, इन प्रश्नों को पूछे जाने के पीछे कौन से उद्देश्य छुपे पड़े हैं, इसकी शानदार चर्चाएं आप सबों को उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण के तहत किया जाता है छात्रगण। सीटेट और जेटेट की परीक्षाओं में इस प्रश्न इसलिए भी पूछे जाते हैं छात्रगण, चूंकि प्रश्न के निर्माण पर आपको काम करना है, आप एक शिक्षक हैं, कल होकर के आपको जब आप स्कूल लेवल पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी छात्रगण, तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको प्रश्नों का निर्माण आना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न, कैसे प्रश्न बच्चों में दिए जाएं, स्टैंडर्ड 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के क्वेश्चन एमसीक्यू में हो कि डिस्क्रिप्टिव हो कि ओरल हो कि मौखिक हो कि मॉक टेस्ट हो, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। 13वें नंबर की टॉपिक मेरे पास पहुंचती है, वो है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान में। आप देखिए शिक्षा, आपको आज मालूम है कि आज हम सब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा ये कहता है कि हर एक बच्चा को शिक्षा देना है, चाहे वो अंधा हो, विकलांग हो, गूंगा हो, बहरा हो, एक एक बच्चा शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
विविध पृष्ठभूमि के तहत में आप देखेंगे, सड़कों किनारे देखेंगे कि कुछ गुलगुलिया समुदाय के लोग रहते हैं, मीन्स तंबू गाल करके रहते हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा देना है। साथ ही साथ गांव के अत्यंत पिछड़े बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देना है, जंगल में रह रहे बच्चों को भी शिक्षा देना है, जिसे जनरली हम लोग बिरहोर बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को भी शिक्षा देना है। तो इन बच्चों की पहचान करनी है कि विविध पृष्ठभूमि के ये बच्चे कैसे हैं, किस लेवल का एजुकेशन दिया जाना है। आपने देखा है छात्रगण कि मान लीजिए जो लैंग्वेज अभी मैं बोल रहा हूँ, क्या ये जो छोटे छोटे बच्चे जो कभी इस प्रकार के ब्रज हिंदी या जो हिंदी लैंग्वेज कभी नहीं सीखे हैं, वो क्या इन भाषाओं को सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें उनकी भाषा में हमें पढ़ाना होगा। इसलिए झारखंड जैसी परीक्षाओं में छात्रगण आपका, आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड जैसी परीक्षाओं में इन्होंने एक क्षेत्रीय लैंग्वेज रखा है। ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि टीचर्स जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज जाने, ताकि जहां भी उनकी पोस्टिंग हो, जिस जिले से उन्होंने अपना आवेदन किया है, उस जिले के क्षेत्रीय लैंग्वेज पर वो अकस्टम हो, वो जानते हों, ताकि बच्चा लोग जो होता है उसे अच्छी तरह से समझ सके। तो सीटेट में आपके लिए कोई बात नहीं है क्षेत्रीय लैंग्वेज का, वहां तो सिंपल सेम है। 14 नंबर की हमारी जो टॉपिक है वो है विकलांग तथा अधिगम असफलता वाले बालक की पहचान। दोनों सेम टॉपिक है, विविध पृष्ठभूमि और विकलांग तथा अधिगम असफलता। अधिगम असफलता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखिएगा कि एक बच्चे, आप क्लास के अंदर में प्रवेश करते हैं, आप अपना डेली की अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं, राकेश यस सर, मोहन यस सर, मोहित यस सर, आशा यस सर, नरेश नरेश नरेश, अरे तुम तो पहले बेंच पे बैठे हुए और तुम भी आवाज नहीं दे रहे हो, तो कम ऐसी स्थिति है छात्र। एक बच्चा आपका पहला बेंच पे बैठा हुआ है, आपने तीन तीन बार उसके नाम उठाए, लेकिन वो बच्चा अपना नाम भी बोल पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थितियां आपको वर्ग लेवल पर मिलेगा। हम सब उन्हीं बच्चों की पहचान करेंगे छात्रगण जो कि अधिगम असक्तता वाले बालक होंगे, कि मानसिक दृष्टि से ये किस प्रकार से बच्चा पिछड़ा है और किस प्रकार से इन बच्चों को ऐसे एजुकेशन सिस्टम्स लागू किया जाए कि ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से अन्य बच्चों के साथ एक साथ अधिगम करके सीख माए। ये हम सब टॉपिक में देखते हैं छात्रगण जो कि विकलांग तथा अधिगम असक्तता वाले बालक की पहचान करता है। ये 14 नंबर टॉपिक की ओर आपको हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे आपको अन्य सिलेबस लिखाने का प्रयास करते हैं छात्रगण। अगली टॉपिक की हम सब बातें कर ले छात्रगण, तो हम सब अपने 15 नंबर के टॉपिक पे चलते हैं और वो है प्रतिभाशाली सृजनशील एवं विशिष्ट बालकों की पहचान। प्रतिभाशाली सृजनशील क्रिएटिविटी, आप देखेंगे कि जो बच्चे आपके बीच में बैठे पड़े हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों में कई बच्चे ओवर स्मार्ट है पढ़ने में, कुछ बच्चे एकदम से डल हैं। वही मैंने एक टॉपिक जो उठाया था आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का, इसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से बच्चा जो है आपका यहां से वहां, मीन्स एक बच्चा कमजोर है, एक बच्चा ज्यादा तेज है, अगर आप उसको ए से जेड तक पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा बहुत जल्दी सीख गया, एक बच्चा आपको देर से सीख रहा है। उन स्थितियों और परिस्थितियों में किस प्रकार आप इसे पाटने का प्रयास करेंगे छात्रगण, यही कहता है प्रतिभाशाली सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान करनी होगी। वो बच्चे किसी न किसी चीज में आप देखेंगे, चाहे वो पेंटिंग में महारत हासिल हो या फिर वो कुछ विज्ञान की कुछ ऐसी चीजें खोज करता हो या जो आप पढ़ाते हो उससे, आपको पढ़ाने से पहले वो सारा चीज को वो जान रहा होता है, सीख लेता है, ऐसे बच्चों की पहचान करनी है। और न सिर्फ पहचान करनी है बल्कि ऐसे बच्चों को आपको अलग से एजुकेशन देना है छात्रगण, ताकि आपका बच्चा में जो आपका जो डिफरेंसेस है, जो क्लास डिफरेंसेस है आपका, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, आप उसे पाट पाने में कामयाब होंगे। नहीं तो वो बच्चे बहुत बहुत शॉटिंग करेंगे, बहुत बहुत हल्ला करेंगे और आपको जो है लगेगा मैं क्लास से बाहर चला जाऊं। तो आपको इन बच्चों की पहचान करके इन बच्चों को अलग बैठाना है। इन्हें एक ही क्लास में दो प्रकार की एजुकेशन सिस्टम चलेगी, इन्हें उसके आगे का कार्य देना है और इन्हें उसके और उन्हें उसी पर रखना है जो वो नहीं सीख पाए हैं। ये कभी नहीं होगा कि ऐसे बच्चे जो आपके प्रतिभाशाली सृजनशील तथा विशिष्ट बालक हैं, ये बच्चे किसी भी कीमत पर क्लास नहीं प्रोन्नत किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये बहुत पढ़ने में तेज हैं तो टू क्लास से जंप करा के इसको थ्री क्लास में कर दिया जाएगा, वो पूरे एक वर्ष के
पूरे अधिगम लेंगे। इन एक वर्षों में सिर्फ उनका जो डिफिकल्टीज लेवल होगा, वो डिफिकल्टीज लेवल थोड़ा सा हम सब उसका स्मार्ट बनाएंगे, आगे बढ़ करके उसको बतलाएंगे। तो ये चीज़ हम सबों का प्रतिभाशाली सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान के तहत में करेंगे। 16 नंबर में बच्चे में सोचना एवं सीखना। शुरू से मैंने दो बच्चों का चित्र बनाया है, बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं इसकी चर्चाएँ करेंगे। 17 नंबर की टॉपिक में है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। शिक्षण अधिगम, टीचिंग पे लर्निंग का क्या रिस्पेक्ट होगा, एक शिक्षक अपने लर्निंग को कितना स्मार्ट बनाए ताकि बच्चा बहुत ही मनोयोग से पढ़ने का प्रयास करे। देखिए छात्रगण, एक बात हमेशा याद रखिए, टीचर्स की पर्सनालिटी, टीचर का बोलने का आवाज, उसके ढंग, उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा मायने रखता है। वो क्लास में तभी इम्पैक्ट हो सकता है, बच्चे तभी एक टीचर से जब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जब शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का समर्पण, शिक्षक का सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज बहुत बहुत अच्छा हो, तब बच्चे उनको जो है बेहद बेहद प्यार करते हैं छात्रगण। तो शिक्षक को अधिगम के साथ में, शिक्षण के अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या हैं, इसके मूल में क्या है, इसके जड़ में कौन कौन सी बातें छिपी पड़ी हैं, इन चीज़ों की विस्तृत चर्चाएँ हम सब जो है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएँ के तहत में करेंगे। नेक्स्ट में एक चिल्ड्रन जो है एक कीड जो है एक समस्या समाधक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। दो बच्चा आपका मैंने ऊपर में बोर्ड में चित्र बनाया था, एक आपका समस्या समाधक बच्चा है, एक अन्वेषक है, एक वैज्ञानिक बनता है, एक क्लास में सॉर्टिंग करता है। ये किस प्रकार से ऐसे बच्चों को जो है आप ढूंढ निकालेंगे और उसके शिक्षा के कौन कौन से व्यवस्था एक वर्ग कक्षा के अंतर्गत में करेंगे, इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं छात्रगण हम सब एक समस्या समाधक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में करेंगे छात्रगण। अगली टॉपिक 19वें नंबर की टॉपिक होगी जो हमारा होगा बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। आपने देखा है छात्रगण कि आज बच्चे कई रूपों में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, केवल एकेडमिक पढ़ाई से आज बच्चा बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। आज सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर यू कैन से, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इन द मार्केट इन द सोशल मीडियाज, कंप्यूटर वन ऑफ द माध्यम। तो बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं में कौन कौन से वैकल्पिक अवधारणाएं हम बच्चों में डील करने का प्रयास करेंगे जिससे बच्चा और अधिक उन्मुख होगा। आज आप देख लीजिए, आप दूरस्थ बैठे हुए, दूर बैठे हुए हैं, आज मेरे से आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे, आप क्लास नहीं आए हैं लेकिन आप ऑनलाइन शिक्षण घर बैठे कर पा रहे हैं छात्रगण। तो कहीं कहीं बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाओं का विकास किया जाना होगा छात्रगण। बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे थिंकिंग करते हैं, इनकी वैकल्पिक व्यवस्था और किया जाए जिसमें बच्चों में गुणात्मक शिक्षण का अत्यधिक विकास हो सके और बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, इसकी चर्चाएं हम सब इसके अंतर्गत में करेंगे। नेक्स्ट आपका संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान का मतलब नॉलेज और संवेग तो आप जानते हैं, सेंसर मोटर ऑर्गन होता है संवेग। इन दोनों पे किस प्रकार से हम सब, एक बच्चा के नॉलेज में जब कोई भी चीज आता है, कोई संज्ञान में आता है, तो उस बच्चे को कैसे नेगेटिव की ओर लेके जाना है, पॉजिटिव की लेकर क्यों जाना है, इस चीजों की जब चर्चाएं हम सब इसके तहत में करते हैं तो वो चैप्टर मेरा क्रिएट होता है संज्ञान तथा संवेग के रिस्पेक्ट में। अगली टॉपिक हमारी आती है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन एंड लर्निंग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा छात्रगण जब हम मोटिवेशन एंड लर्निंग की बातें करेंगे। तो अभिप्रेरणा एवं अधिगम, मोटिवेशन, किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कितना मोटिवेटेड होना चाहिए, बच्चा तभी आपको पढ़ पाएगा जब आप बहुत अच्छे मोटिवेशन करते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेट करते हैं। एक बच्चों में मोटिवेशन किस रिस्पेक्ट में किया जाएगा ताकि उसका अधिगम और अधिक खिल पाए और अधिक लर्निंग उसका लेवल निखारा जा सके, इसको हम मोटिवेशन एंड लर्निंग के रिस्पेक्ट में जानने का प्रयास करेंगे छात्रगण। अगली टॉपिक 22वें नंबर टॉपिक पे चलेंगे और वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रिपोर्ट 2005। आपको मालूम होना चाहिए छात्रगण कि भारत सरकार ने वर्ष 2005 में एक नए पाठ्यक्रम, आज के जो पाठ्यक्रम थे, आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलता था। सरकार इस बात पर मंथन कर रही थी कि हम किस प्रकार के करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन करें जिससे बच्चा पढ़ते के साथ, ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करते के साथ उसे नौकरी लग जाए छात्रगण। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रिपोर्ट तैयार की थी छात्रगण 2005 में, और उन्होंने इस रिपोर्ट में, आपने देखा होगा कि पूर्व की किताबें और अभी की किताबों में बहुत अंतर हो गए।
जो पूर्व में किताबें चला करती थी उन किताबों को पूरी तरह से छात्रगण अब हटा दिया गया और नई किताबों का इंप्लीमेंट किया गया, नए पाठ्य हैं, बहुत ही एक्टिविटीज बेस्ड अब बुक हो गए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें जो कि अभी कॉम्पिटिशन लेवल पर पूछे जाते हैं। तो सरकार का ये मानना है कि जब बच्चा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके जब बाहर वो निकले तो उसे तुरंत सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन आज की जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें बच्चा को ग्रेजुएशन करने के बाद फिर से कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी पड़ती थी, बच्चा बहुत मेहनत करता था तब जाकर के उसे कहीं नौकरी मिल पाती थी। अब की पाठ्यचर्या ऐसी नहीं है, आपको वही पाठ्यचर्या में समाहित लेसन्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जब आप बाहर से जुड़े तो सीधा सीधा आपको ज्ञान का अर्जन हो जाए, यानी कि किताबी ज्ञान से हटकर बाह्य ज्ञान से जोड़ना एनसीएफ का उद्देश्य था छात्रगण, जिसके चलते राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रिपोर्ट 2005 का निर्माण किया गया था। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे छात्रगण कि इन पाठ्यचर्या को जोड़ करके जो मेरा एनसीएफ का निर्माण किया गया था इसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि विद्यालय के स्कूली ज्ञान को बाह्य ज्ञान से जोड़ना था। बच्चा स्कूल के अंदर में एक वर्ग कक्षा के अंदर में जो कुछ सीख रहा है क्या उसे वो बाहर इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक बच्चा गणित में बहुत अच्छा है लेकिन बाहर वो 100 ग्राम का मूल्य नहीं निकाल पा रहा है, अगर बोलता है तेल 30 रुपये किलो है तो 100 ग्राम का मूल्य बच्चा नहीं जान रहा है, डेढ़ पाव का वो मूल्य निकाल नहीं पा रहा है कि टमाटर 30 रुपये किलो है तो डेढ़ पाव का दाम बताइए, 350 ग्राम्स का दाम बताइए। तो ऐसी एजुकेशन सिस्टम लेके बच्चा क्या करेगा। इसी चीज़ को पाटने के लिए छात्रगण एनसीएफ की रिपोर्ट 2005 में प्रस्तुत की गई थी जिसकी विस्तृत चर्चाएं लंबे तरीके से हम सब करेंगे, कौन कौन से विषय जोड़े गए, क्या विषय हैं, क्या त्रिभाषा सूत्र है, अंग्रेजी इसमें इंपॉर्टेंट बनाया गया था, इन तमाम चीजों की चर्चाएं एनसीएफ के तहत करेंगे। साथ ही साथ एक मोस्ट अवेटेड मेरा कानून आया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन 2009। वर्ष 2009 में छात्रगण राइट टू एजुकेशन आरटी 2009 की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी छात्रगण, आपको याद होगा। पूरे भारतवर्ष में यह 2010 में इंप्लीमेंट हुआ था छात्रगण, और राइट टू एजुकेशन के तहत में क्या हुआ था कि टीचर्स स्कूल्स सब कुछ था लेकिन ना तो टीचर्स स्कूल आते भी थे तो बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, या कई सारे ऐसे टीचर्स थे जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। सरकार ने इसमें लगाम लगाने का प्रयास किया था छात्रगण, और सरकार ने इसके तहत एक कानून पारित करवाया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन, जिसको 2009 में संसद के पटल पर पारित किया गया था और पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से यह फुल फ्लेजर लागू किया गया था छात्रगण। तकरीबन 1 से 2 क्वेश्चन आरटी के माध्यम से होंगे, हम देख पाएंगे कि आरटी के कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, आरटी के तहत कौन कौन से प्रावधान किए जाने थे, और आज आप देख पाएंगे कि शिक्षक और छात्र का अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात, स्कूल में बच्चों का अनुपात, उसके आधार पर हम सबों ने बहुत आगे अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से ये पूरी सजी धजी लगभग 23 टॉपिक के साथ में छात्रगण बाल विकास की पूरी टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि पूरे एक एक सिलेबस के एक एक चैप्टर को आपने समझने का प्रयास किया होगा। कल की क्लास में अब हम सब सीधे सीधे आपको पढ़ाने की ओर लेकर के चल रहे हैं, और कल की कक्षा से आप सबों को सीधा एकदम हम सब अपने चैप्टर पर पहुंच रहे हैं और एक एक चैप्टर का न सिर्फ आपको समझाएंगे बल्कि साथ ही साथ आपको एक एक चैप्टर का नोट्स लिखाते चले जाएंगे। छात्रगण आप एक एक नोट्स को एकदम लिखते चले जाएंगे और एक एक चैप्टर वाइज कंटेंट वाइज आपको हम सब फिर पीडीएफ के रूप में आपको ये आपको इसका पीडीएफ आपको अटैचमेंट दे देंगे, टेस्ट सीरीज के रूप में, प्रैक्टिस सेशन के रूप में आप सब उसका प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, हम सब उसका तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब पूरी सिलेबस मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो तकरीबन 20 से 30 हम लोग टेस्ट परीक्षाओं का आयोजन करेंगे ताकि पूरी पेडागॉजी आपका बात बात स्मार्ट हो जाए, और अब पेडागॉजी में तकरीबन 24, 25, 26 मेरा टारगेट रहता है कि बच्चों को 30 में 26 नंबर दिलाने का प्रयास करें, उसी टारगेट को हम सब फुलफिल करने का प्रयास करेंगे छात्रगण। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और साथ ही साथ हमेशा याद रखिए मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकलते ही नहीं। इसलिए घर से निकल जाइए, निकलने की जरूरत नहीं है छात्रगण, आप घर में बैठे ही छात्रगण ऑनलाइन शिक्षण का मजा लेकर के आप पूरी तरह से सीटेट और जेटेट के रिजल्ट क्लियर कर सकते हैं। हम सब उसी अंदाज में आपके सामने उन्मुख होंगे छात्रगण जिस अंदाज में आपको प्रीवियस क्लास में हम सब पढ़ाते हुए आए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कल से सीधे सीधे चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।